हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। जैसा कि सभी को मालूम होगा, आपका भाई ड्रमान एक नए वीडियो में आपके रूम में दोबारा से हाजिर है। सो गाइस, आज है फ्राइडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 और मैं डेली ब्लॉग नंबर 8 शुरू कर रहा हूँ। सो हे फेम, व्हाट्सअप, वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग। मेरा आ चुका है, आज मेरे पास नाश्ते में है रोटी और अंडा। सो सबसे पहले तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद स्कूल जाना है। फ्राइडे है, वैसे भी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, आप में से 50% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो यार। आप देख के चले जाते हो आप, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। मुझे इसी मंथ के अंदर अंदर 90 से अबव सब्सक्राइबर करने हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अभी सबसे पहले तो हम स्कूल जाएंगे नाश्ता करने के बाद। सो मिलता हूँ आपको स्कूल से आने के बाद। गाइज अभी मैं स्कूल पढ़ कर आ चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है 12। सो सबसे पहले तो फ्रेश होंगे, उसके बाद हम लेने जाना है पास्ता के लिए चिकन। सो सबसे पहले फ्रेश हो जाएंगे। तो गाइज रेडी शेडी होकर मैं आ चुका हूँ, फ्रेश हो गया हूँ बिल्कुल। और सबसे पहला काम करेंगे हम चिकन लेने, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। सो चलते हैं चिकन लेने। आप तो नहीं जा सकेंगे, मैं अकेला जाऊँगा, मैं वीडियो वहाँ शूट नहीं कर सकता क्योंकि वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं वीडियो शूट करूँ। सो आप जब तक थोड़ी सी और प्लेस इंजॉय करना। ये आपका भाई चिकन ले आया है और नमाज का भी टाइम हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 12:30 और नमाज होती है 12:40 पर। टोटल 8 से 9 मिनट पड़े हैं। सो अगर आपने अभी तक ARS व्लॉग गैंग ज्वाइन नहीं किया, जाके सब्सक्राइब का बटन दबाओ। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहा है तो फिर भी दबाओ सब्सक्राइब का बटन यार, और लाइक करके जाया करो, कमेंट भी किया करो, शेयर भी किया करो, सब कुछ किया करो। तो मिलता हूँ आप लोगों को मैं नमाज के बाद, और आके फिर पास्ता भी खाएंगे और उसके बाद थोड़ा शुगर मिला भी लगाएंगे। आज मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मिलता हूँ नमाज के बाद। सो गाइस नमाज जुम्मा तो पढ़ कर आ गए हैं, और पास्ता के लिए, पास्ता के साथ बोतल ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। सो अब जाएंगे पहले बोतल लेने। सो अभी बाइक नहीं थी, पैदल जा रहा हूँ इसलिए बोतल लेने। सो गाइस बोतल लेकर मैं आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं मैंने वीडियो शूट नहीं की, इसीलिए शूट नहीं की कि वीडियो बनाई थी यार, लेकिन रिजल्ट सही नहीं है, मैंने डिलीट कर दी फिर पकड़ गए। तो मैंने कहा घर जाके बना लूँगा। अभी बोतल लेके आ चुके और पास्ता भी रेडी है बिल्कुल। सो चलते हैं अब पास्ता खाने। सो गाइस हमारा पास्ता बनकर इस टाइम आ चुका है, और मेरे हाथ में इस टाइम है कांटा और ये पास्ता मेरे सामने, आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है आपको। सो ट्राई करेंगे कैसा बना। मैं बहुत मज़ेदार है, मज़ेदार है आपको ये फिनिश करने के बाद। जी मैं बैग अभी आपका भाई इंट्रो स्कूल कॉलेज में बना रहा यार, घर में मोबाइल की चार्जिंग खत्म हुई है। अभी आपको ब्रेक श्रेक हो चुकी है। ये मेरे साथ ये तीन दोस्त खड़े हैं, ये देखिए वो दो जा रहे हैं, ये दो कैमरा शाये हैं। अभी आपको छुट्टी का टाइम मिलता, छुट्टी का टाइम नहीं बल्कि अब घर जाके मिलूंगा क्योंकि चार्जिंग नहीं मोबाइल, तब तक लेना आप। अस्सलामु अलैकुम गाइस, तो आज की मेरी वीडियो का मकसद तो शुगर वुगर लगाना नहीं है। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैंने थोड़ी शूटिंग कॉलेज में की थी लेकिन मैंने इतनी फास्ट नहीं की, लेकिन आज की मेरी वीडियो का एक ही मकसद है कि हमारे मुल्क में जो शराबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, उसके लिए हम कुछ करें। हमारे हम सबकी तरफ से एक मैसेज जा रहा चाहिए। तो मेरा आप ARS आर्मी और मेरी तरफ से आप सबके लिए मैसेज ये है कि हम उनकी मदद करें यार। लोगों के पास कफन दफन के पैसे नहीं हैं, लोग शापर चढ़ा के अपना कफन का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो मेरी आप तमाम हजरात, मुखैर हजरात से गुजारिश है कि आप हमारी जो सलाब ददगान हैं उनकी मदद फरमाएं, क्योंकि मदद फरमाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। और हम मेरी ख़ास तौर पर अपनी जो यानी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू सारे हजरात हैं उनसे कि हमारे लिए दुआ करें, हमारे जो सलाब ददगान हैं उनके लिए दुआ करें, हम भी दिली तौर पर उनके लिए दुआ करेंगे। और जो हमारी पाक आर्मी है उनको भी, उनको तो ख़ास तौर पर सलूट है कि उन्होंने हमारे जो इतने सारे बंदे रेस्क्यू किए हैं। और यहाँ कुछ तस्वीरें भी आ रही होंगी दोनों साइडों पे जो मैं कल देख रहा था यार, इतना जानी नुकसान, इतना माली नुकसान। ये 2010 का जो सैलाब आया था उससे भी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो
आप सबसे गुजारिश है, मेरी जो गवर्नमेंट है आपसे गुजारिश है कि उन लोगों की इमदाद की जाए, और मेरी जो सूबाई गवर्नमेंट है उन सबसे भी गुजारिश है कि उनकी इमदाद की जाए। यार बलूचिस्तान डूब गया, सिंध डूब गया, तौनसा शरीफ अपना पूरा डूबा हुआ है। यार हमें चाहिए कि हम, मैं आपको एक रिपोर्ट के मुताबिक बताता हूँ कि कल कितनी कैजुअलिटी हो गई है। कल पीडीएमए के मुताबिक 355 अमवात हुई हैं इन्हीं की वजह से, और 51,659 घर तबाह हुए हैं कल केपीके वाली साइड से, और 26 ब्रिज और 43 शोपे टूट गई हैं। यार इतना नुकसान, यार ये देखें, ये देखें गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, ये देखें आप देख सकते हैं, ये देखें। यार अल्लाह माफ़ करे, यार हम सबको चाहिए कि हम उनके लिए दुआ करें, और अपनी जो पाक आर्मी उनको सल्यूट करें कि वो इतने अच्छे इकदाम उठा रही हैं, और अपनी जो गवर्नमेंट है उनसे भी मैं खासी तौर पर उनकी तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे इकदाम उठाए, उनकी इमदाद की, लेकिन उनको चाहिए कि और उनकी इमदाद करें, क्योंकि 5,000-6,000 से कुछ नहीं होता। मेरी उन सबसे दरख्वास्त है कि कम अज़ कम 25,000-30,000 उनको दिया जाए, ताकि वो अपनी महाना जरूरिया एक इस वीडियो को यही पहन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो, मस्ट आईडी इन डिस्क्रिप्शन टू गो एंड मस्ट फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। मिलता हूँ कल आपको एक नई वीडियो में और एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो जाकर चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, और घंटे के बटन को भी दबाते जाना।